गाइज आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइज आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपके फ़ोन में जूम एप्लीकेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है अनस्टेबल नेटवर्क टैप टू रिकनेक्ट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तो गाइज आप जो है अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है हो सकता है आपके फ़ोन में नेटवर्क ना हो जिसके कारण आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम आ रही हो। तो अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क भी सही है और फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है आपके फ़ोन में, तो अब आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेज ऐप्स पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो ये जो सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जूम, तो जैसे आप जूम लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा, तो आपको उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऐप परमिशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एप्लीकेशन परमिशन का, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपको इसमें अपने फ़ोन का परमिशन दे देना है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्टोरेज का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर क्लियर कैचे करना है, ओके। क्लियर कैचे करने के बाद दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है। बस आपको अपने फ़ोन में नेटवर्क सही रखना है, तो नेटवर्क लाने के लिए आप जो है फ्लाइट मोड को ऑन कर सकते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद उसको बंद कर दीजिए, फिर आपके फ़ोन में नेटवर्क आ जाएगा, और इसी तरीके से आप जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।